हेलो फ्रेंड्स, सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं खोए की चॉकलेट बर्फी। खोए की चॉकलेट बर्फी बनाने के लिए चाहिए खोया, चीनी, वनीला एसेंस, घी, दूध और कोको पाउडर। सब्सक्राइब कीजिए सौम्याज किचन को और बेल आइकॉन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट रेसिपी देखने के लिए। आइए बनाते हैं। 2 टेबल स्पून कोको पाउडर है। कोको पाउडर में करीब 1.5 टेबल स्पून दूध मिला देंगे और मिक्स कर देंगे। ये धीरे धीरे मिक्स होता रहेगा दूध में। 250 ग्राम खोया है, खोए को ग्रेट कर लेंगे। सारा खोया ग्रेट कर लिया है। अब गैस पर एक भारी तली की कढ़ाई या सॉस पैन रखेंगे, उसमें डाल देंगे खोया ग्रेट किया हुआ और चीनी 75 ग्राम। 250 ग्राम में 75 ग्राम चीनी डाली है और बिल्कुल स्लो गैस पर खोए को और चीनी को भूनेंगे और बिल्कुल लगातार चलाते रहना है खोए को और चीनी को, जिससे कि तली में बिल्कुल भी ना लगे। गैस को एकदम स्लो ही रखा हुआ है और आप देख सकते हैं धीरे धीरे चीनी पिघलना स्टार्ट हो गई है, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है चीनी। इस स्पैचुला से सारी तरफ से इकट्ठा कर देंगे मिक्सचर को। मिक्सर ने हल्का हल्का पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब इसमें डालेंगे करीब 5 से 6 बूंद वनीला एसेंस की, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है तो आप चॉकलेट एसेंस भी डाल सकते हैं। मिक्सर ने पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। गैस को बंद कर देंगे। बर्फी सेट करनी है, उसमें घी लगा देंगे अच्छे से। घी लगाने के बाद जितना मिक्सचर है उसका 3/4 से थोड़ा कम और 1/2 से थोड़ा ज़्यादा मिक्सचर मोल्ड में सेट कर देंगे, जिसमें हमको बर्फी जमानी है। स्पैचुला की सहायता से हल्का हल्का दबा करके सेट कर देंगे। जितनी थिक बर्फी रखनी है उस हिसाब से। अब जो बचा हुआ मिक्सचर है उसको हम चॉकलेट का मिक्सचर बनाएंगे। मिक्सचर में पहले जो चॉकलेट का दूध में जो घोल करके रखा हुआ है उसको पहले मिक्सचर को खोए में मिक्स कर लेंगे, उसके बाद गैस को ऑन करेंगे। खोए में अच्छे से मिक्स हो गया है कोको पाउडर। अब गैस को ऑन कर देंगे और गैस को एकदम स्लो हीट पर ही रखेंगे। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा दूध नहीं मिलाया है, इसलिए बहुत ज़्यादा देर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोको पाउडर बहुत थिक कर देता है मिक्सचर को। आप देख सकते हैं मिक्सचर ने पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। गैस को बंद कर देंगे और सारे चॉकलेट वाले मिक्सचर को, जो वाइट वाला मिक्सचर है, उसके ऊपर डाल देंगे और एक साथ फैला देंगे इसको। अब कटोरी की सहायता से इस तरीके से एक बराबर कर देंगे बर्फी को और करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे और सेट होने के लिए रखेंगे, जिससे बर्फी अच्छे से सेट हो सके। बर्फी सेट हो गई है, अच्छे से जम गई है। अब बर्फी को काट लेंगे। बर्फी को एक प्लेट में सर्व करेंगे।
खोया चॉकलेट बर्फी बनकर के तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर करें रेसिपी को। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी ही नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन।